5 सितंबर की सुबह इसरो ने आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट की ऑर्बिट दूसरी बार बढ़ा दी है। अब इसकी पृथ्वी से सबसे कम दूरी 282 किलोमीटर और सबसे ज्यादा दूरी 40,225 किलोमीटर हो गई है। इस ऑपरेशन को मॉरिशस, बेंगलुरु और पोर्ट ब्लेयर में बने ISTRAC और इसरो के ग्राउंड स्टेशनों ने ट्रैक किया है। सबसे पहले 3 सितंबर को लॉन्चिंग के 24 घंटे बाद पहली बार आदित्य की ऑर्बिट बढ़ाई गई थी। 2 सितंबर की सुबह 11:50 पर आदित्य को PSLV-C57 के XL वर्जन रॉकेट के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था, जो करीब 4 महीने बाद 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय कर L1 पॉइंट तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ता है, जिसके चलते यहाँ से सूरज पर आसानी से रिसर्च की जा सकती है। L1 का नाम इतालवी फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफी लुई लेग्रेंज के नाम पर रखा गया है। ऐसे 5 पॉइंट धरती और सूर्य के बीच है, जहाँ सूर्य और पृथ्वी की ग्रेविटेशनल फोर्स बैलेंस हो जाती है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बन जाता है, जिसकी मदद से स्पेसक्राफ्ट एक ही जगह पर रहकर सूर्य की स्टडी कर पाएगा।